वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर सेवन में आज हम बात करेंगे लेक्चर सेवन में आज हम बात करेंगे इसका ईएफ कोड के बारे में। ओके, तो ईएफ कोड रूल के बारे में, इससे पहले लेक्चर सिक्स में हमने पढ़ा था रिलेशनल मॉडल और लेक्चर फाइव में पढ़ा था आरटीबीएमएस। तो उसमें तो पॉइंट आया था आरटीबीएमएस में, एक था रिलेशनल मॉडल और एक था ईएफ कोड रूल। तो रिलेशनल मॉडल को हमने लेक्चर सिक्स में देखा है, अब जो थर्ड पॉइंट बचा हुआ था ईएफ कोड रूल, उसको हम लेक्चर सेवन में अभी देखने जा रहे हैं होंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लेक्चर फाइव और लेक्चर सिक्स देख चुके होंगे। अगर आप इस वीडियो को बीच में देखना स्टार्ट कर रहे होंगे तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस वीडियो को ना देखें, पहले लेक्चर फाइव लेक्चर सिक्स को देखें। ओके नाउ, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो क्वेश्चन आपको दिया था लेक्चर सिक्स में, कुछ चार क्वेश्चन थे, मे भी आपसे बन गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ, और नहीं भी बना तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके नाउ, तो वेरी फर्स्ट रूल ऑफ ईएफ कोड रूल क्या कहता है? तो फर्स्ट रूल बोलता है डेटा एंटर इन टू द सेल मस्ट बी सिंगल वैल्यू डेटा और एटॉमिक डेटा। क्या बोला? जो डेटा एंटर किया जा रहा है कहाँ पे, सेल पे, वो कैसा होना चाहिए? वो मस्ट सिंगल वैल्यू डेटा होना चाहिए, मतलब कंपल्सरी एक तरह से करिए कि सिंगल वैल्यू डेटा ही होना चाहिए, मतलब वो एक ही डेटा होना चाहिए। मतलब बोल दीजिए, अगर ये लैपटॉप है तो सिर्फ लैपटॉप होना चाहिए, डेस्कटॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है? मोबाइल है तो सिर्फ मोबाइल होना चाहिए, टैबलेट नहीं होना चाहिए। पेन है तो सिर्फ पेन होना चाहिए, पेंसिल नहीं। तो उस तरह से आप समझ सकते हैं। और एटॉमिक डेटा मीन्स भाई सिंगल वैल्यू डेटा। चलिए इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो आपके लिए मैंने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है यहाँ पे, ये देखिए, ये हम लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ये टेबल हो गया, उस एट्रीब्यूट्स कहिए या कॉलम कहिए या फिर फील्ड्स कहिए। ये A1, A2, A3, A4 क्या हो गए? एट्रीब्यूट्स, कॉलम नेम और फील्ड्स, ये तीनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं। ये एक टेबल का पार्ट है। पूरा क्या है ये? अगर मैं इसे कहूँ ये पूरा क्या है, पूरा क्या है, तो एक टेबल है, ठीक है? ये क्या है? टेबल है, ठीक है? उस टेबल में एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है? और ये जो इधर दिख रहे हैं ना, ये क्या है? रोज, रोज बोलिए या रिकॉर्ड्स बोलिए या टपल्स बोलिए, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये क्या है? रिकॉर्ड्स, ठीक है, या टपल्स, और ये क्या है? ये रोज, ठीक है? तो आपको ये समझ में आया? तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा था, डेटा एंटर इनटू द सेल मस्ट बी सिंगल वैल्यू डेटा और एटॉमिक डेटा। तो आप फिगर में ध्यान से देखिए, ये पहला तो हमको ये देखना होगा, ये जो क्वेश्चन बोला डेटा एंटर इनटू द सेल मस्ट बी सिंगल वैल्यू डेटा और एटॉमिक डेटा, तो पहले हम ये समझते हैं कि सेल क्या होता है, सेल। ओके, तो ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, ये जो स्क्वायर शेप आपको दिख रहा है, अगर आप देख रहे होंगे, जस्ट अ सेकेंड, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ये हो गया, ये हो गया, ये जहां जहां पे ग्रीन डॉट है ना सारा देखिए, ठीक है, जहां जहां पे भी ग्रीन डॉट है, ये एक कितने स्क्वायर बॉक्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है? जहां जहां पे डॉट किया बस उसको काउंट कीजिए, तो इधर से 4, इधर से 4, टोटल 16 स्क्वायर बॉक्स हो गए, ठीक है? तो वो जो 16 स्क्वायर बॉक्स है ना, ये जहां पे मैं ग्रीन डॉट कर रहा हूँ, वो जो सारे, ठीक है, एक सेकेंड, जो सारे 16 बॉक्सेस हैं ये मेरे सेल होते हैं। तो सेल क्या होता है? सेल होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ टेबल, ठीक है? जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है टेबल का, उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ठीक है? तो ये जो 16 आपको स्क्वायर शेप दिख रहे होंगे ना, रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, जिसमें सिर्फ आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा हो,
तो वो जो होता है ना, जो सबसे छोटा मतलब जो सेल, जो स्क्वायर बॉक्स दिख रहे हैं आपको, वो सेल है। जैसे हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट क्या है? सेल। सिमिलरली टेबल का भी जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट है वो क्या है? सेल। उस सेल में क्या करते हैं हम? डेटा को रखते हैं, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट वही बोल रहा था, डेटा एंटर इनटू द सेल मस्ट बी सिंगल वैल्यू डेटा और एटॉमिक डेटा। मतलब ये जो सेल में इन एट्रीब्यूट्स के लिए जो डेटा भरा जा रहा हो वो सिंगल वैल्यू डेटा होना चाहिए। ये नहीं कि अगर यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, अगर यहाँ पे क्या हो गया, ओके, ये अगर एट्रीब्यूट A1 के लिए यहाँ पे 1 है तो इसके लिए फिर यहाँ पे X भर सकते हैं, ये डबल डेटा हो जाएगा। नहीं, अगर 1 है तो सिर्फ वहाँ, मतलब एक सेल है तो वहाँ पे सिर्फ एक डेटा होना चाहिए, या तो वहाँ पे 1 रहेगा या X रहेगा, ठीक है। तो ईच सेल इन अ टेबल हैज एटॉमिक वैल्यू, ये पहला पॉइंट बोलता है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? वी कैन स्टोर द डेटा इन मल्टीपल टेबल। ओके, हम लोग जो डेटा होता है ना वो मल्टीपल टेबल में रखते हैं। क्यों करते हैं? रख सकते हैं, मतलब हम लोग कर सकते हैं, मतलब जो डेटा है उसको मल्टीपल टेबल में स्टोर कर सकते हैं। ओके, एंड वी कैन ऑल्सो इस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन एनी टू टेबल्स बाय यूजिंग की एट्रीब्यूट्स। कहने का मतलब क्या हुआ, एक बार हिंदी में समझते हैं। जो डेटा है उसे हम लोग बहुत सारे मतलब टेबल में रख सकते हैं। ओके, एंड और जो टेबल होंगे ना, बहुत सारे टेबल होंगे, तो एक समय पे हम किसी दो टेबल के बीच में एक रिलेशन को, एक रिलेशन कहिए या कनेक्शन, एक संपर्क यानी कनेक्शन बना सकते हैं। तो कैसे संपर्क बनाएंगे? अगर आप किसी को फोन लगाते हैं तो उसका पहले नंबर डायल करते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पे कनेक्शन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ की एट्रीब्यूट के थ्रू। चलिए देखते हैं फिर डायग्राम में। तो पहला सेकेंड पॉइंट बोलता है वी कैन स्टोर डेटा इन मल्टीपल टेबल्स। ओके, बट वाई वी स्टोर द डेटा इन मल्टीपल टेबल्स, क्वेश्चन तो आना चाहिए दिमाग में। तो यस, सोचिए स्टूडेंट है, स्टूडेंट कुछ रिकॉर्ड्स है यहाँ पे, जैसे स्टूडेंट आईडी हो गया, ठीक है, नेम हो गया, रोल हो गया, क्लास। स्टूडेंट कुछ रिकॉर्ड है, ठीक है, स्टूडेंट कुछ रिकॉर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिमिलरली सोचिए कि इस टेबल को हम बढ़ा दिए और ये दोनों टेबल को हम मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो एक ही टेबल में हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का भी डेटा रख रहे हैं और वोटर आईडी का भी डेटा रख रहे हैं। जैसे वोटर आईडी होगा तो क्या, वोटर आईडी का नंबर होगा, वोटर आईडी का नाम होगा, पेरेंट्स का नाम होगा, और जो विधानसभा क्षेत्र है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, असेंबली एरिया है, कौन से असेंबली एरिया, उसका डिटेल यहाँ पे होगा। तो आप एक मिनट ध्यान से सोचिए, ठीक है, एकदम ध्यान से। अगर ये सारे रिकॉर्ड, वोटर का भी रिकॉर्ड इसी टेबल में रहा, तो क्या कोई एक हमको मीनिंगफुल टेबल बन पाएगा वहां पे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का भी डेटा रह रहा है और वोटर आईडी का भी डेटा रह रहा है, तो दिखने में तो टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। और या तो स्टूडेंट का डेटा इस वोटर टेबल में रहे तो, या वोटर का डेटा स्टूडेंट टेबल में रहे, तो कोई मतलब बनता नहीं है। अगर स्टूडेंट का डेटा है, मतलब एक तरह का डेटा हम एक टेबल में रखते हैं ना, एक टेबल में रखेंगे तो देखने में आसानी अच्छा होगा, लगे अच्छा होगा, डेटा को एक्सेस करने में हमको इजी होगी। दूसरा, ओके, दूसरा कि जब ये वोटर आईडी का डेटा है, ठीक है, इसको अगर हम अलग टेबल में रखेंगे, ठीक है, तो हमको देख के समझ में आएगा टेबल को कि अच्छा ये इसमें अगर वोटर आईडी का नंबर दिया है, नेम दिया है, फादर्स नेम है, और असेंबली का नेम दिया हुआ है, तो समझ आता कि ये वोटर टेबल होगा, और किसी में रोल नंबर दिया है, नेम दिया है, क्लास दिया है, सब्जेक्ट दिया है, तो देख के पता चलेगा स्टूडेंट टेबल है। अब सबको मर्ज कर देंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, खिचड़ी देख के पता नहीं चलेगा ये किस चीज़ का टेबल है। टेबल को एक नाम देने के लिए अब टेबल को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा था, जब बहुत सारे डेटा हो, तो हम बस यहाँ एग्जाम्पल लिए थे स्टूडेंट का और वोटर आईडी का, तो स्टूडेंट का ही समझिए वोटर आईडी हो, ठीक है। तो उस डेटा को हम इस टेबल में रखने से अच्छा है कि एक अलग टेबल में रखें, ठीक है। तो वही था दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट बोल रहा था कि वी कैन स्टोर द डेटा इन मल्टीपल टेबल्स, बट क्यों, जब ज्यादा डेटा हो तो उसको मल्टीपल टेबल्स पर रख सकते हैं मीनिंगफुल टेबल बनाने के। ओके, नाउ
वी कैन ऑल्सो इस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन एनी टू टेबल्स बाई यूजिंग की एट्रीब्यूट। लेट सपोज हम एक और टेबल बना देते हैं, ठीक है, इसमें आधार कार्ड का टेबल हो गया, ये स्टूडेंट कहीं जॉब कर रहा था, ये बिजनेस का टेबल हो गया, ठीक है, मैं इसको वेरी अच्छे से कर देता हूँ, ठीक है, ये UID के लिए हो गया, ठीक है, UID का टेबल हो गया। लेट सपोज आप सपोज कीजिए ये हो गया और इम्प्लॉय है कहीं का, तो बिजनेस के लिए, ठीक है, ये बिजनेस के लिए टेबल हो गया, बस आप थोड़ा ध्यान दीजिए बस, ठीक है। तो अब ये सारा डेटा तो हम इस टेबल में नहीं रख सकते, कोई मीनिंगफुल हमको बनेगा नहीं, कि देख के पता नहीं चलेगा किस चीज़ का डेटा है। अगर सारा डेटा को हम अलग अलग, जैसे एक सेकेंड, स्टूडेंट का डेटा हम स्टूडेंट टेबल में रखते, वोटर आईडी का डेटा हम वोटर टेबल में रख दे, आधार कार्ड का डेटा हम UID टेबल में रख दे, और अगर ये स्टूडेंट कहीं जॉब कर रहा है तो उसको हम बिजनेस टेबल में रख दे, या कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस टेबल में रख दे, ठीक है। तो हमको देखने में आसानी होगी और समझ में भी आएगा हाँ किस तरीके का डेटा इन टेबल में प्रेजेंट है। तो जब एक स्टूडेंट का डेटा, ठीक है, बहुत सारे टेबल में प्रेजेंट हो, तो क्वेश्चन वही बोल रहा है, मतलब सॉरी डेफिनेशन, वी कैन ऑल्सो इस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन एनी टू टेबल्स बाय यूजिंग की एट्रीब्यूट्स। मतलब बहुत सारे टेबल है लेकिन एट अ टाइम क्या होगा, हम किसी सिर्फ दो टेबल से ही कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या तो इससे करें, ठीक है, या फिर इससे करें, एक टाइम में सिर्फ एक ही, और वो भी किस एक ही टेबल से मतलब कनेक्शन बना सकते हैं, वो भी किसके मदद से, की एट्रीब्यूट्स के मदद से, की एट्रीब्यूट्स के मदद से। अब ये की एट्रीब्यूट्स क्या होता है उसे आप आगे पढ़ेंगे, मैं अभी की एट्रीब्यूट्स को यहां समझा ले रहा हूं। तो आपको होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक टाइम में बस हम किसी दो टेबल को ही कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ की एट्रीब्यूट्स के। बढ़िया, तो एक क्वेश्चन आता होगा, तो इस तरीके से हम कितने टेबल बना सकते हैं किसी एक पर्सन के लिए, मतलब कोई एक जॉब करने के लिए, मतलब समझ लीजिए स्टूडेंट मेरा एक टाइप का जॉब समझ लीजिए, मतलब जॉब या क्या बोले इसको, उस समझने के लिए कि हाँ अगर हमको एक तरह का रिकॉर्ड अगर सेव करना है एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, स्टूडेंट के एक ऑब्जेक्ट समझिए, ऑब्जेक्ट तो है ही, एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम कितना टेबल बना सकते हैं, जैसे एक टेबल बन गया वोटर आईडी, एक बन गया बिजनेस, एक बन गया UID, एक समझ लीजिए बन जाता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए DL का टेबल, ड्राइविंग लाइसेंस का भी डेटा सेव होता है, एक बंदा इंश्योरेंस करवाता है, ठीक है, तो पॉलिसी का टेबल बन जाएगा, एक इंश्योरेंस पॉलिसी का, ठीक है। तो बहुत मतलब आप जितना सोच सकते हो, ठीक है, अगर ये बंदा ये कुछ और टूर एंड ट्रैवल्स का चला रहा है तो टूर एंड ट्रैवल्स का एक अलग से टेबल बन सकता है। तो समझिए कि ऐसे कितने टेबल हम बना सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के लिए और उसको कनेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम दो टेबल से। तो कैसे, कितना टेबल, तो ध्यान रखिएगा 55 टेबल ये हम बना सकते हैं RDBMS में। एकदम ध्यान से 55 टेबल हम बना सकते हैं, ठीक है। होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए इस सब कुछ जो अननेसेसरी थिंग्स है उसको मैं हटा लेता हूँ थोड़ा पहले, आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो काम, अब तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, हाँ, वी कैन वैलिडेट द डेटा विच आर एंटर्ड इन टू द टेबल्स बाई असाइनिंग वॉट डेटा टाइप्स एंड सेकेंड वन इज कंस्ट्रेंट। नाउ ये देखिए इस टेबल को कभी कंसिडर कीजिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है, थर्ड पॉइंट सॉरी, जो डेटा टेबल में एंटर किया गया है, ठीक है, उसको हम वैलिडेट कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट, डेटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट के थ्रू। तो अब ये डेटा टाइप क्या होता है और ये कंस्ट्रेंट क्या होता है, तो बस डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट को हम बस नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ने वाले हैं। पहले हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कंस्ट्रेंट के बारे में। तो बस ये अब इतना जानिए ना, जो डेटा टाइप होता है, ठीक है, टेबल में, वो SQL के RDBMS में वो कंपलसरी होता है। वो क्यों होता है मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा।
और जो कंस्ट्रेंट होता है वो ऑप्शनल होता है। ये दो पॉइंट मैं आपको यहीं पे क्लियर करूंगा, लेकिन ये दोनों एक्चुअल में होता क्या है, कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं, कितने तरह के कंस्ट्रेंट होते हैं, वो मैं आगे आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ जो डेटा टाइप है वो क्या है, ऑप्शनल है, सॉरी कंपलसरी है, और जो कंस्ट्रेंट है वो ऑप्शनल है। अब देखिए डेटा टाइप कंपलसरी क्यों बोल रहा हूँ, लेट्स सपोज इस टेबल को कंसिडर कीजिए, ये स्टूडेंट टेबल है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ओके ना, नाउ कुछ और कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ये आईडी है ना, स्टूडेंट आईडी, ये किस तरीके से हो सकता है, नंबर हो सकता है, अगर मैं डेटा टाइप में इसको नंबर दे दूँ तो सिर्फ ये नंबर लेगा, नेम को अगर मैं नंबर ही रहने दूँ तो क्या नेम में नंबर जाएगा, नहीं ना, तो हमको डेटा टाइप कुछ तो देना पड़ेगा, आप चलिए हम जानते होंगे, तो ये कुछ स्ट्रिंग टाइप से जाएगा, ये अल्फाबेटिकल जाएगा, स्ट्रिंग मत समझिए, अगर नॉन आईटी है तो आपको समझ में नहीं आएगा, आईटी स्टूडेंट है, सीआईटी तो समझ में आएगा। तो ये क्या है, नेम, नेम क्या अल्फाबेटिकल हो सकता है, ठीक है, रोल नंबर ये भी नंबर में जा सकता है, क्लास ये भी नंबर में जा सकता है, ठीक है, बढ़िया। तो हम देख रहे हैं कि अगर रोल नंबर को भी अल्फाबेट कर दें तो कोई मतलब नहीं बनेगा, रोल नंबर जैसे नंबर में होता है 1 2 3 4, क्लास भी 1 2 3 4, तो ये सब हम नंबर में रखना होगा, नेम जो होगा वो अल्फ़ाबेट में आएगा, आईडी होगा मे भी अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और नंबर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मान लीजिए इसको हम अभी कॉम्बिनेशन होता है नंबर और अल्फ़ाबेट ए एम दे रहे हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर आईडी दे रहे हैं, तो देख रहे हैं कि मतलब आईडी सिर्फ अल्फ़ाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन में एंटर होगा और नेम होगा वो अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट में जाएगा, जो रोल नंबर और क्लास है वो नंबर के फॉर्म में जाना चाहिए। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर हम डेटा टाइप लगा देते हैं तो वो कंपलसरी होता है, तो उसी टाइप का डेटा हर एक सेल में एंटर होगा। अब कंस्टेंट क्या होता है, कंस्टेंट ऑप्शनल होता है, ठीक है, अब ऑप्शनल होता है, लेकिन कंस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंस्टेंट का मतलब होता है कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या होता है, लेट्स सपोज कंस्टेंट का मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कंडीशन, तो यहाँ समझिएगा, कंस्टेंट को मैंने बोला, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन, तो कंडीशन क्या होगा, ठीक है, सपोज ये टेबल है, ये टेबल है वोटर आईडी का, इसमें एज होगा, ठीक है, एज नाम का एक कॉलम होगा, कॉलम क्या होता है मैं बता चुका हूँ, तो जब वोटर आईडी का जो टेबल होगा उसमें जो एज होगा तो उसमें हम कंडीशन लगा दें कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है, तो जो अगर ये कंडीशन हम लगा देते हैं ना, मतलब मान लीजिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, जस्ट ये एज, एज का कॉलम, सॉरी इसको मैं लास्ट पर लिख देता हूँ, एज का कॉलम है और मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दे रहा हूँ, ठीक है, कि एज जो होगा वो लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए, तभी ओ सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए, तभी यहाँ पे एंटर होगा। तो होप कि आपको ये डेटा टाइप क्या होता है, कंस्टेंट क्या होता है, ईएफ कोड रूल क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा, सेल क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा, रो रिकॉर्ड्स टपल्स किसको बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स किसको बोलते हैं, कॉलम फील्ड किसको बोलते हैं, और एक बार में, अच्छा चलिए मतलब की एट्रीब्यूट्स क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, धैर्य रखें, डेटा टाइप को इसके नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 8 में समझने वाले हैं, उसके बाद लेक्चर 9 में हम लोग कंस्टेंट को समझेंगे। तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनका भी फायदा हो जाएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।